आप देख रहे हैं जहां फूलों से सजावट की गई है क्योंकि 50 दिनों के बाद अपने घर वापस आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये देखिए रवाना होते हुए तस्वीरें नजर आ रही हैं अरविंद केजरीवाल घर के लिए तिहाड़ जेल से बाहर निकलते हुए और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। जनता तानाशाही का अंत करेगी, जनता न्याय करेगी, बस जनता न्याय करेगी, जनता तानाशाही का अंत करेगी। शाही कांत करेगी, जनता न्याय करेगी, सीधे सीधे उनके निशाने पर ईडी बीजेपी रही है और ये अब अपने घर के लिए रवाना होते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जी मीडिया से उन्होंने खास बातचीत की और कहा कि जनता न्याय करेगी, तानाशाही को खत्म करेगी। देखिए शोभना, बिल्कुल सही सुना आपने, अरविंद केजरीवाल ने जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव कहा कि, और ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त खुशी मनाते हुए बड़ी जीत के तौर पर इस फैसले को देख रहे हैं। 50 दिन के बाद तिहाड़ जेल से बाहर निकले हैं अरविंद केजरीवाल और फॉलो करते हुए जी मीडिया की टीम उनके काफिले को, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जेल से सीधे घर के लिए हुए हैं रवाना। तो अब अरविंद केजरीवाल चुनाव में प्रचार कर सकेंगे और गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी। और खासतौर पर आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तब उस दौरान भी विपक्षी नेताओं ने एक साथ एक साझा रैली की थी और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला था। ऐसे में कई बार कोशिश की गई बेल मिलने की लेकिन उन्हें बेल नहीं मिली और आज राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत दे दी गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 50 दिन के बाद जेल से निकले हैं अरविंद केजरीवाल, कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है, खुशी मनाई जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें, जेल से रिहा हो गए हैं अरविंद केजरीवाल और चेहरे पर मुस्कुराहट ही बयां कर रही है कि जो लड़ाई लड़ रहे थे वो सफल साबित हुई है। उसका पहला कदम ये मान रहे हैं कि तानाशाही को खत्म किया जाएगा, जनता लड़ रही है अन्याय के खिलाफ, सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। सीएम आवास के बाहर की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां विशेष सजावट की गई है। तो शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे और ऐसे में आज उनकी जमानत हो गई है। अब जेल से बाहर निकलकर सीधे घर के लिए रवाना हुए हैं मुख्यमंत्री, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि ईडी ने कई तरीके से अपने बयानों के जरिए पक्ष रखा था कोर्ट में और जमानत का विरोध किया था लेकिन कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील का मजबूत पक्ष मानते हुए उन्हें राहत दे दी है। सुप्रीम राहत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को, 1 जून तक के लिए वो जमानत पर रहेंगे और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। लेकिन इस दौरान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकेंगे, वो चुनाव कैंपेन कर सकेंगे, वो जनता के बीच जा सकेंगे, प्रचार कर सकेंगे, अपनी बात रख सकेंगे। इसको लेकर किसी भी तरीके की कोई मनाही नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल जो कि लगातार ईडी को निशाने पर लेते रहे हैं, उन्होंने कहा है कि झूठे आरोप उन पर लगाए गए हैं, बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। तो तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं अरविंद केजरीवाल, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। महागठबंधन की जीत के तौर पर भी इसे विपक्षी दलों के नेता मान रहे हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने अरविंद केजरीवाल से जेल में जाकर मुलाकात की थी। शाही का अंत करेगी, जनता न्याय करेगी, ईडी के लिए क्या कहेंगे सर, ईडी के लिए, बस जनता न्याय करेगी, जनता तानाशाही का अंत करेगी, जनता तानाशाही का अंत करेगी, जनता न्याय करेगी, ईडी के लिए क्या कहेंगे सर, ईडी के लिए, बस जनता न्याय करेगी, जनता तानाशाही कांत करेगी, जनता न्याय करेगी, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं। एक बार फिर से जेल से बाहर आने के बाद उनके निशाने पर बीजेपी ईडी रही, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और दूसरी तरफ ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश देखिए, अपने नेता को बाहर आने की खुशी किस तरीके से वो जाहिर कर रहे हैं। इस वक्त सड़कों पर आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता
जुटे हुए हैं और उनके समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। 50 दिन के बाद जेल से रिहा हुए हैं अरविंद केजरीवाल। इससे पहले उनकी पत्नी भी मुलाकात करने के लिए पहुंची थी और उन्होंने कई बातों का जिक्र किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि किस तरीके से झूठे मामले में अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बोल रहे हैं आइए उधर बोल रहे हैं आइए उधर बोल रहे हैं आइए उधर बोल रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अब जेल से बाहर आने के बाद जाहिर तौर पर प्रेस से भी मुखातिब होंगे अरविंद केजरीवाल और एक बार फिर से बीजेपी को निशाने पर लेंगे, तमाम बातों का जिक्र करेंगे कि कैसे उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया। लेकिन कल से प्रचार की धार को देने की कोशिश रहेगी आम आदमी पार्टी की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 50 दिन के बाद जेल से रिहा हो गए हैं अरविंद केजरीवाल। आइए आइए उधर बोल रहे हैं आइए आइए